नारायण बोले, हे नारद जी, पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसमें हजारों वर्षों तक तप करने में जितना पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने से मिलता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रहा हूँ। नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। वह बहुत ही कंजूस था। उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। वह धार्मिक कार्यों से बहुत दूर रहता था। उसका एक दोस्त था माली। वह हमेशा अपने दोस्त माली के यहाँ जाता था और अपना दुखड़ा रोता रहता था। माली ने उसको अपने यहाँ रख लिया और माली ने कहा कि तुम बाड़ी में रहो और फल बेचो। माली ब्राह्मण का विश्वास करके अपना पूरा धंधा देकर उसको और वह राजा के यहाँ नौकरी करने चला गया। कंजूस फलों को बेचता और बढ़िया खाता और जो भी पैसा मिलता उसको भी खूब आनंद से खर्च करता था। इसी तरह करते करते उसकी उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया और वह मर गया। और यमलोक से यम के दूत उसे लेने आ गए तो वह यम के दूत लेकर गए और यमराज ने पूछा कि भाई इसका लोखा जोखा निकालो। तो यमराज के दूतों ने उसका लेखा जोखा निकाला तो उन्होंने बताया कि ये जात से तो ब्राह्मण था लेकिन बहुत ही कंजूस था। इसने अपने दोस्त माली को भी बहुत अधिक धोखा दिया। उसके फलों को बेचता था और उसके पैसे रख लेता था। बचे हुए फल आनंदपूर्वक खा लेता था। तो यमराज को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इसको तो हजार वर्ष तक बंदर की योनि मिले। तो उसको बंदर की योनि मिली और चंचलता के कारण वह एक दिन एक कुंभ में गिर गया और वहाँ 3 दिन पड़ा रहा। भाग्य से पुरुषोत्तम मास था, अतः उसको गौलोक मिला मरने के बाद। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, वह उस कुंभ में कैसे पहुँच गया? तो नारायण कहने लगे कि इस संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नारायण ने कहा कि चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी बहुत ही अच्छी पत्नी थी। दोनों ही पुरुषोत्तम मास का व्रत करते थे और हमेशा दान पुण्य करते थे। पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने बहुत अधिक दान किया। वैश्य ने बहुत जगह से ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दान किया। तो यह कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया था और रोने लगा कि हे वैश्य राज, तुमने सबको तो खूब दान दिया, मुझे भी कुछ दान दे दो, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। तो उसको दया आ गई और उसने भी उस ब्राह्मण को बहुत अधिक धन दे दिया। वैश्य से धन प्राप्त करके उसने पुरुषोत्तम मास में उस कंजूस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में उस पुरुषोत्तम मास में उस धन को सुरक्षित करने के लिए कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, अर्चना की और उस धन को जमीन में गाड़ दिया। तो पुरुषोत्तम मास की पूजा करने से पुरुषोत्तम भगवान खुश हो गए और उस पुरुषोत्तम की पूजा करने से पुरुषोत्तम मास की पूजा करने से उसको यह कुंड प्राप्त हो गया। अब वह अगले जन्म में तो बंदर बना। बंदर था, उसके मुख से खून बहता रहता था। उसको पित्त की बीमारी थी, वह कोई फल खा नहीं पाता था। और देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया तो उसने वो क्या करता कि बहुत सारे फल तोड़ता और ज़मीन पर फेंक देता और बहुत सारे फल फेंक फेंक के वह पुरुषोत्तम मास में पुण्य कमाता रहा और निर्जला रहा क्योंकि वह पानी भी नहीं पी पाता था और चंचलता बस एक डगार से दूसरी डगार में उचक रहा था। तो एक दिन उस सरोवर में गिर गया और पूरे पुरुषोत्तम भर निराहार रहा, ना पानी पिया ना फल खाया। तो उसके प्रभाव से जब वह मरा तो उसको विष्णु भगवान का विमान लेने आ गया। तो उसने कहा, बंदर ने, उस कंजूस ब्राह्मण ने जो पूर्व जन्म में कंजूस ब्राह्मण था,
उसने कहा कि मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया है, फिर मुझे भगवान के धाम पर क्यों ले जा रहे हो। तो यमराज के तो विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि भैया तुमने तो अनजाने में बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए। उसने कहा क्या? बोले देखो तुम्हारे मुख से खून बह रहा था, तुम फल खा नहीं पाते थे, लेकिन बंदर हो चंचल स्वभाव के थे तो फलों को गुस्सा में तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकते रहे, और बहुत से लोगों ने उन फलों को खाया और अपनी भूख मिटाई, और यह था पुरुषोत्तम का महीना तो तुम्हें बहुत फल मिल गया और तुम दैवयोग से निराहार भी रहे, क्योंकि तुम फल खा ही नहीं पाए, पानी पी ही नहीं पाए, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास में तुमने व्रत भी कर लिया, और उस व्रत के करने से तुम्हें पूरे पुरुषोत्तम मास का फल मिल गया, और क्या कहलाते हैं कुंड में तुम जाकर गिर गए, और कुंड में गिरने से तुम 5 दिन कुंड में ही डले रहे, ना कुछ खाया ना पानी पिया, इसीलिए तुम्हारा निराहार व्रत हो गया और तुमको पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य मिल गया, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान का विमान लेने आया है, तुम्हें तो गोलोक मिलना है। तो वह ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, और हजारों वर्ष जो उसको योनि मिलना थी वह उसकी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई, इसलिए पुरुषोत्तम मास जैसा तो कोई मास है ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास में सीधे मनुष्य को गोलोक मिलता है।